नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है। सोच के देखिए, व्हाट इफ इंडिया वाज़ द यूएस एंड यूएस वाज़ इंडिया। कंफ्यूज्ड? समझने में मज़ा आएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सोचिए, अगर इंडिया और यूएस की जगह बदल जाए तो दुनिया कैसे बदल जाएगी। मतलब इंडिया के पास यूएस वाली सुपर पावर और रिसोर्सेस होती और यूएस एक डेवलपिंग कंट्री होता। इट वुड बी अ क्रेजी स्वैप। चलिए शुरू से इमेजिन करते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट होगा पॉलिटिकल पावर में। आज यूएसए दुनिया का एक सुपर पावर है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री। अब अगर दोनों कंट्रीज़ की पोजीशन चेंज हो जाए तो इंडिया होगा सुपर पावर और यूएसए एक डेवलपिंग नेशन। मतलब यूनाइटेड नेशंस, नाटो और सभी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में भारत की ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस होगी। इमेजिन कीजिए कि सब बड़े डिसीजंस जो इंटरनेशनल डिसीजंस हैं वो भारत के हाथों में होते। मे बी न्यूयॉर्क की जगह यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स मुंबई या दिल्ली में होता। इकोनॉमिक स्वैप भी धमाकेदार होता। अगर इंडिया यूएसए होता तो इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड टॉप पे होती और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती और सिलिकॉन वैली जैसे बड़े टेक सेंटर्स बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे में होते। इंडिया के सीईओस दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेशंस को लीड कर रहे होते। कल्चर में तो ज़बरदस्त बदलाव होता। इमेजिन करिए कि हॉलीवुड मुंबई में होता और बॉलीवुड लॉस एंजलिस में, और पूरी दुनिया इंडियन फूड, बॉलीवुड डांस और देसी कल्चर को अपनाती। इंडियन फेस्टिवल्स जैसे होली और दिवाली दुनिया भर में सेलिब्रेट होते, जैसे आज क्रिसमस और हैलोवीन होते हैं। और वाइस वर्सा, अमेरिकन कल्चर जहाँ इंडिया में डोमिनेट करता। इंडिया में मैकडॉनल्ड्स की जगह रोड साइड डाइनर्स होते और क्रिकेट की जगह अमेरिकन फुटबॉल और बेसबॉल के मैचेस होते। टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में भी भारत का ज़बरदस्त डोमिनेंस होता। नासा की जगह इसरो वर्ल्ड लीडर होता स्पेस एक्सप्लोरेशन में, और इंडिया से हर साल वर्ल्ड टॉप साइंटिस्ट और इनोवेटर्स निकलते। इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ जहाँ दुनिया के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आती और दुनिया भर के स्टूडेंट्स इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आके पढ़ते। लाइफस्टाइल में भी मेजर चेंजेस होते। इंडियन सिटीज़ जहाँ आज बिजी, ओवर पॉपुलेटेड और केओटिक है, वो यूएसए के सिटीज़ की तरफ प्लान्ड और मॉडर्न होती। और अमेरिका के सिटीज़ में आपको मिलते इंडियन स्टाइल बाजार्स, रिक्शॉज एंड स्ट्रीट वेंडर्स। मतलब एक तरफ इंडिया में वाइड रोड्स, क्लीन एयर और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होता, और दूसरी तरफ यूएसए में क्राउडेड स्ट्रीट्स, छोटे हाउसेस और देसी बाजार्स होते। स्पोर्ट्स भी स्वैप हो जाता। इंडिया में सब लोग अमेरिकन फुटबॉल और बास्केटबॉल के दीवाने होते और यूएसए में सब क्रिकेट के फैनेटिक्स होते। दुनिया की टॉप स्पोर्ट्स टीम्स इंडिया से होते और वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचेस यूएसए में होस्ट किए जाते। और एंटरटेनमेंट में भी कल्चरल मिक्स होता। बॉलीवुड की ग्लोबल रीच हॉलीवुड से भी ज़्यादा होती और इंडियन म्यूजिक, डांस और फैशन का क्रेज़ दुनिया भर में छा जाता। बट ये स्वैप के साथ चैलेंजेस भी आते। यूएसए को डेवलपिंग कंट्री होने के वजह से हेल्थ केयर, पॉवर्टी और एजुकेशन जैसे इश्यूज से डील करना पड़ता, और इंडिया को सुपर पावर होने की वजह से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमिक प्रेशर्स को हैंडल करना पड़ता। शायद दोनों कंट्रीज़ के पॉलिटिकल और सोशल डायनेमिक्स भी बदल जाती, पर ये स्वैप करना उतना आसान नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी एक फ़न थॉट एक्सपेरिमेंट, व्हाट इफ इंडिया वाज यूएसए एंड यूएसए वाज इंडिया। ये टॉपिक सोचने में जितना मज़ेदार है उतना ही सोचने वाला भी। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपके दिमाग में और इंटरेस्टिंग सिनेरियोज आ रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।